मैं महावीर सिंह, सन ऑफ श्री शिवलाल सिंह, ग्राम दंगेटा, डिस्ट्रिक्ट मथुरा का रहने वाला हूँ। हम तीन भाई थे, हमारे दो भाई बड़े थे, सुप्रीम कोर्ट में हैं। सबसे बड़े भाई हमारे एक्सपायर हो गए, छोटे भाई हैं हमारे, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हम तो वैसे तीनों भाई बड़े मिलनसारू रहे हैं, और वो बड़े थे तो वो पहले ही यहाँ दिल्ली में आ गए थे और उन्होंने अपनी नौकरी वोकरी रखी यहाँ पे। मैं तो छोटा था तो लास्ट में आया हूँ, और जब मैं दिल्ली आया हूँ तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है। हम अपने घर में तीन भाई हैं। मेरे बड़े भाई का नाम रमेश चंद है, छोटे भाई का नाम महावीर सिंह। बहुत नेक आदमी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हमारे भाई साहब कुछ करते हैं तो उनको साथ हम भी देते हैं, हमारे भाई साहब आगे बढ़ते हैं तो हम भी साथ रहते हैं। मेरा नाम मुकेश है और हम आरामबाग पहाड़गंज में रहता हूँ, और ये यहाँ हम बैठे हैं आज, हमारे चाचा जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरा नाम मधु है। मेरे पापा बहुत ही अच्छे ससुर हैं मेरे, और मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, पर उन्होंने कभी भी ये मेरे को महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनकी बहू हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखा है। मेरी दो ननंद हैं, पर मेरे पापा ने कभी भी ये नहीं करा कि मेरी वो बेटी हैं और मैं बहू हूँ, हमें एकदम बराबर ही रख समझाए। हमारे पिताजी काफ़ी गरीब आदमी थे, उनके पास मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, एक ही जोड़ी कपड़ा होता था, और वो हमारे पास भी वही एक जोड़ी कपड़ा हुआ करता था उस समय, तो एक ही जोड़ी कपड़े में हम लोग उसी को पहन लेना और फिर दूसरे दिन उसे धो लेना, ऐसा रहा है समय। पिताजी कुछ थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते थे, और वही थोड़ी सी जमीन थी बस उसी में कर लेते थे थोड़ा बहुत जो भी होता था। पर जब से हम दिल्ली में आ गए तो फिर पिताजी ने वो भी बंद कर दिया। मेरी माताजी का नाम चिरौंजा देवी था, और अच्छी थी, बड़ा स्वभाव उनका बहुत अच्छा था, और अभी भी आप फोटो देखेंगे तो दिखता है, मतलब एक तरह गांव की तरह ही रहते थे। मेरी शादी को 40 साल हो गए करीबन करीबन, और मेरी पत्नी का नाम श्री देवी है। काफ़ी अच्छा समय बीत गया हमारा उनके साथ, उन्होंने सपोर्ट हमको किया है, बराबर किया है। उन्होंने दिल्ली में जब हम आए थे तो एक काम से काम नहीं चलता था हमारे से, तो उन्होंने भी साथ में जॉब भी करा है। हमने तो कई बार उसमें छोले पूड़ी वगैरह इस टाइप का कोई भी काम धंधा कर लिया हमने, हमें कभी उससे शर्म नहीं आई। दूध घी वगैरह सब बेच लिया हमने। उसमें सपोर्ट इनका रहता था, जैसे हम नौकरी पे जा रहे हैं, अगर हमने सुबह दूध ला के रख दिया, घी वगैरह मतलब डेयरी बना रखी थी, तो हम चले गए तो उसके बाद ये संभाल लेते थे, उसके बाद शाम को आके फिर हम संभाल लेते थे। मेरा नाम श्री देवी है, मैं उनकी पत्नी हूँ, नाम तो नहीं लूँगी, और वो बहुत मेरा ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी दरियास रखते हैं। मेरे चार बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा मेरा अशोक कुमार है, और एक राहुल सिंह है, और बड़ी बेटी उषा है, और छोटी बेटी मोनिका है। 25-30 साल पहले पिताजी आए थे मथुरा से, तो उन्होंने जॉब करी, कई बिजनेस करे छोटे छोटे, शुरू से ही बिजनेस माइंडेड रहे हैं, कभी नौकरी करने के लिए उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरे पापा इस दुनिया के बेस्ट फादर हैं, उन्होंने मुझे जो लाइफ दी है मैं मानता हूँ कि वो शायद ही कोई पिता होगा वो दे सकता होगा, इतनी राजाओं वाली मुझे उन्होंने लाइफ दी है, कभी बचपन में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं उनको 35 साल हो गए लेदर का काम करते हुए,
तो लेदर को वो देख के ही हाथ रख के ही बता देंगे इसमें ये डिफेक्ट है, ये लेदर है या ये लेदर नहीं है। उतना जो है शायद एक आम आदमी को उतना समझ में नहीं आता। बड़ी बेटी मेरी है, अब तो उसके बच्चे भी हो गए, 17-18 साल के बच्चे हैं उसके, तो बड़ी अच्छी बेटी है वो। और कभी कोई किसी चीज़ की उसने तकलीफ़ नहीं दी, कि मतलब कभी उसने मांगा ही नहीं, कभी बोला ही नहीं कुछ, मतलब उस तरीके का रहा है। मेरा नाम उषा है और मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी ज़िंदगी में इतना मुसीबत आई और जितने भी कुछ भी दुख आया, कुछ भी आया, लेकिन वो कभी घबराए नहीं, उन्होंने डट के सामना किया और उन्होंने मेहनत बहुत की है। मैं अपने पापा के ही उसूलों पे चलती हूँ क्योंकि पापा मेरे ऐसे ही हैं और जो पापा के अंदर है वही मेरे अंदर भी है। मैं इस घर का जमाई हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, काफ़ी चीज़ सीखने को मिली उनसे, मेहनत करना, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से चलना है, और कहीं हम गलत चलते हैं तो हमको डांटते भी हैं। छोटी बेटी की भी अच्छा है, अभी उनको थोड़े दिन हुए हैं शादी को, तो अभी वो ससुराल में ही है अपने, और कभी 15-20 दिन में मिलने के लिए आते हैं संडे को। माय नेम इज़ मोनिका जैन, मैं अपने पापा की सबसे छोटी डॉटर हूँ और वो सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी काइंडफुल पर्सन और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। माय नेम इज़ ईशान जैन एंड मैं सन इन लॉ हूँ इस घर का, छोटा वाला। सो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत ही कम समय है जब मैं इस घर से जुड़ा हूँ, बट यस अगर मैं बात करूँ अपनी वाइफ की तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपने फादर से, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान है। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं महावीर जी का छोटा बेटा हूँ। अभी मैं FDDI कर रहा हूँ, उसमें फुटवेयर डिज़ाइन का कोर्स है। एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो लेदर का काम करते हैं और मेरे ब्रदर जो हैं अशोक कुमार जी वो शोल का काम करते हैं, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके एक फुटवेयर बनाना चाहता हूँ, तो मैं जिसके लिए मेरे फादर मुझे बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे फादर ने काफ़ी मेहनत करके ये एम्पायर बिल्ड किया है जिसको मैं आगे बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ। मेरे ब्रदर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा योगदान उन्हें दे सकूँ और उनके काम को उस ऊंचाइयों तक पहुँचा सकूँ जहाँ तक उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। मेरे दो पोते हैं, एक आदित्य सिंह है, एक बयान सिंह है। बयान सिंह अभी 2 साल का ही है और वो तो 10 से 1 साल का है बड़ा वाला। मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं अपने दादा से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा नाम एंजल है एंड आई एम अ ग्रैंड डॉटर ऑफ मिस्टर महावीर सिंह। ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड एक बिजनेसमैन के साथ एक वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ही इज़ अ मोटिवेशनल पर्सन फॉर मी। ही इज़ अ पर्सन हु फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ बट ही नेवर ब्रोक डाउन। इट इज़ अ मोस्ट एडमायरेबल थिंग फॉर मी। मेरे नानी जी से मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, उनने मेरे को बहुत सी मतलब सिखाने की कोशिश की और मैं सीखता भी हूँ। उनने ड्राइव करना मेरे को सिखाया, हाथ पकड़ पकड़ के। माय नेम इज़ एलिस और मैं उनकी बेटी की बेटी हूँ और वो एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है जितना कोई नहीं कर सकता। पिताजी बच्चों के साथ सुबह भी खेल खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं और शाम को भी घर जाके उसको छोटी वाली बेटे को साइकिल पे बैठा के वो जो बच्चों की जो साइकिल होती है उस पर घुमा के गली में घुमाते हैं। दिल्ली आने के लिए मथुरा डिस्ट्रिक्ट में हमने लोगों के घरों में वाइट बॉस सफ़ेदी की, तो उससे हमने कुछ पैसे हमने इकट्ठे करे, जिसे बेलदारी भी कह सकते हैं आप। हमने उस समय हमको क्या मिलता था, 5 रुपए की झाड़ी थी, महीने 2 महीने हमने काम भी किया होगा, फिर अपना खाना ना खा के कुछ जो कुछ बचाया होगा, तो हम दिल्ली आ गए भाइयों के पास, तो भाइयों ने हमको सुप्रीम कोर्ट में लगवा दिया।
तो हमें तो वहाँ अच्छा नहीं लगा कि नौकरी अब किसी की डांट फटकार, जो हम तो गांव में माँ बाप के लाडले थे और छोटे बेटे होने ना आते तो वो हमें वैसे भी कुछ करने नहीं देते थे और खाने पीने का तो हमको मिलता ही था थोड़ा जो भी होता था गांव में जिस हिसाब से। तो हम आ गए यहाँ पे, हम नौकरी भी करी, हमने दो तीन महीने हमने करी किसी के नौकरी, जज साहब थे वो सुप्रीम कोर्ट के, मुझे तो नाम भी याद नहीं होगा उनका। तो फिर हमने कहा नहीं ये तो हमको नहीं ले रहा, तो हमने भाई साहब ने बोले आप देख लो क्या करना है। तो फिर उस पीरियड में फिर हमारी शादी भी हो गई थी, शादी के बाद फिर हम दोबारा से दिल्ली आए, तो फिर हमने वो कुछ रेडी लगाई जिस पे हम कह सकते हैं छोले भटूरे परांठे या जो भी कुलचे उलचे काफ़ी बेचे हमने मालवीय नगर में सड़क पर, वहाँ एक ESI का हॉस्पिटल हुआ करता था। जिस समय हमारी शादी हुई थी तो उस समय हमारे पास तो एक कपड़ा हुआ, एक कपड़ा था, एक जोड़ी कपड़ा था, नहीं तो शादी में तो कोट पैंट दस जोड़ी होती हैं। अशोक लेदर का जो है बिजनेस जो हो, जब अशोक जी पैदा हुए तो उस समय हम नौकरी करते थे लेदर में, उनके साथ उनके बेटों के साथ हमारी थोड़ी अनबन हो गई, मतलब उनसे मतलब काम उनके हिसाब से हम नहीं कर पा रहे थे। हमारी बॉस की वाइफ, उन्होंने कहा तुम महावीर सिंह क्यों जा रहे हो, तुम तो साहब के दाएं हाथ हो और आपको तो बहुत प्यार करते हैं सर। और नो डाउट के वो साहब बहुत अच्छे थे, आज भी हमारे बच्चों की फीस जो दी है उन्होंने दी है, तो वो देना है कि आज का दिन है। हम फिर गए नहीं उस कंपनी में, फिर हमने वो एक एक पीस कह लो चाहे गड्डी कह लो चाहे बंडल कह लो, वो जाके दूसरे लोगों को, जैसे घड़ी वाले हैं, स्टेप वाले हैं, बेल्ट वाले हैं, बॉलेट वाले, उन लोगों के पास जाके एक एक गड्डी करके हमने एक एक पीस करके बेचना शुरू किया। उससे पहले हमने किसी से पूछा ना कि ऐसे ऐसे बातें हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा, पैसा है नहीं, ये अगर हम इसे घर बेच देते हैं और ये जो ऑटो बेच देते हैं तो हमारे कुछ पूंजी जमा हो जाएगी, धोबी ना घर का ना घाट का, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि ये तो जुआ है एक तरह से, अगर कभी हार भी सकते हो कभी जीत भी सकते हो। तो हमने कहा कि भाई चलो चांस लेके देख लेते हैं। 1.5 लाख रुपए से फिर हमने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, उसके बाद फिर हमें काफ़ी अच्छे लोग मिलते गए जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, टाटा ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया कि भाई 1 लाख का माल है तो तुम 3 लाख का माल ले जाओ यार, तुम देते रहना। तो उन्होंने हमको 1 महीने की उधारी देना शुरू किया, महीने का रूटीन, फिर 2 महीने का, 6 महीने का, साल का, मतलब 2-3 साल में हम ऐसे मजबूत हो गए कि हमारा काम अच्छा ठीक ठाक फैल गया। तो अशोक लेदर इसी हिसाब से, जब अशोक जी पैदा हुए तो हमने उनके नाम से कंपनी रख दी थी। अच्छी अच्छी कंपनियां हमको सब जानते हैं, जैसे टाटा लेबर्टी, रेक्सो, बोर्डलाइन, रेड चीफ वगैरह, ये हमको हमसे लेदर लेते हैं तो हमको जानते हैं। सोल बनाने के लिए अपन जो है उसमें काफ़ी चीज मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, एक मशीन से नहीं होता है। पहले हम डाई से उसको कटिंग करते हैं, कटिंग करके फिर उसमें ब्रशिंग करते हैं, फिर कलर करते हैं, फिर बेल्ट लगाते हैं, फिर हील लगाते हैं, फिर प्रेस करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हैं। तो एक मशीन का उस पर काम नहीं है, बहुत सारी मशीनों से निकल के जब जाके वो सोल तैयार होता है तब जाके वो कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर जाके दूसरी कंपनी में उस पर जूता चढ़ाया जाता है, जब जूता कंप्लीट होता है। भगवान को ठीक है, अपनी अपनी जगह पे मानते हैं भगवान को भी, और हम तो वैसे भी मथुरा नगरी के रहने वाले हैं, कृष्ण कन्हैया के, तो हम तो वैसे तो कृष्ण कन्हैया के यहाँ लोग बहुत दूर से आते, लेकिन हम तो वहाँ गाय चराते थे तो हमारे लिए तो सब एक समान था।
हमारा तो काम ही भगवान है, हम तो इसलिए तो इनको किसी घुमाने भी नहीं ले जा पाए, कहीं अकेले ही चले जाते हैं, वहाँ काम भी कर लेंगे और घूम लेंगे। मेरा शौक तो ऐसा मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आया अभी तक कि मेरे शौक क्या हैं, बस एक चीज़ है कि पैसे से जरूर लगाव रहा है। साढ़े नौ बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, वहाँ अपना देखते हैं काम, दो चार पेपर होते हैं, चेक होते हैं, साइन स्विन कर दिए और सुपरवाइजर से और लेबर से बातचीत करके क्या क्या काम हो रहा है वो देखते हैं। एक राउंड फैक्ट्री मारते हैं ऊपर से नीचे तक, पांच मंजिल की फैक्ट्री में। एक दूसरी फैक्ट्री और है हमारी, उसको भी मैं बताता हूँ आपको बाद में, तो वहीं बैठता हूँ तो उसमें भी एक राउंड मारता हूँ ऊपर से नीचे तक। शोक जी को तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आप टाइम से ऑफिस जाओ और टाइम से आओ, और हमेशा सबके साथ तरीके से व्यवहार से, उनके साथ मजदूर के साथ इज्जत से बात करो, मतलब किसी को गाली गलौज उस तरीके की बातें नहीं। राहुल सिंह जी को तो यही कहेंगे कि वो और मेहनत करें, अपना बढ़िया डिजाइन वाली चीज़ें बनाएं, जिससे कि वो मार्केट में पावरफुल आदमी के रूप में आगे उभर के आए। मेरे फादर बहुत डिसिप्लिन है, आज भी मैं उनको देख के मोटिवेट होता हूँ कि वो आज भी करेक्ट 9:30 बजे टाइम पे आ जाते हैं, जबकि लोग आज भी जितने भी फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो 10:30-11 बजे जाते हैं, मेरे फादर इस उम्र में भी 9:30 बजे ऑफिस पहुँच जाते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया, लगन से काम किया, जिस मुकाम पे पहुँचे हैं आज हम, मैं उन्हीं की वजह से हूँ इस मुकाम पे भी हूँ। अपना बिजनेस शुरू किया, कंपनी शुरू करी, तो उन्होंने फर्म का नाम भी मेरे नाम से रखा, अशोक लेदर एंटरप्राइज, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। इस एज में लोग रिटायर हो जाते हैं, बट ही इज़ वर्किंग नाउ, सब कुछ मैनेज करते हैं A to Z। हमारे घर में एनिवर्सरी या बर्थडे होते हैं तो हमारे पापा में हमेशा बाहर डिनर पर लेकर जाते हैं और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, 5-star होटल वगैरह में हमें डिनर करा के लाते हैं। पिताजी से मैं यही कहना चाहूँगा कि पिताजी आप हमेशा हमारे साथ रहना और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। मैं चाहूँगा कि मेरे फादर हमेशा ऐसे खुश रहें और मेरे साथ रहें, और जितनी आज वो मेहनत कर रहे हैं वो उतनी मेहनत हमेशा करते रहें, कभी उनको ये ना लगे कि मैं मेरे पर बुढ़ापा आ रहा है, हमेशा वो यंग रहें, जैसे भी हैं वैसे हमेशा रहें, मेरे साथ रहें। पिताजी से मैं यही कहना चाहूँगा कि पापा आप अपना ध्यान रखें, हमारे फादर लोग हमेशा खुश रहें, मैं बस यही विश करूँगा मेरे नाना जी अच्छे रहें। पापा बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। पापा मैं चाहती हूँ अपना ध्यान रखो और टाइम से घर आया करो। मैं चाहती हूँ वो ठीक से रहें। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मेरे पापा मतलब हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। चाचा जी के लिए मैं बहुत भगवान से मनोकामना करता हूँ, इनका साथ जीवन बढ़िया आपसी तरह आगे के लिए कटे। मैं चाहता हूँ कि दादा के साथ मैं हमेशा क्रिकेट खेलता रहूँ और और वो हमेशा खुश रहें। आई लव यू पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और कभी मेरे से कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। सफल होने के लिए आदमी को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए, और ज़िंदगी में हर काम मेहनत से वो करेगा तो ज़रूर सफल होगा, और मेहनत उसे करनी चाहिए, आज नहीं तो कल उसे सफलता ज़रूर मिलेगी।